Hello students, welcome to BBVN online classes, and today we will read a poem that is from the course book and its name is The Mountain and the Squirrel. This poem is written by Ralph Waldo Emerson. He was born in 1803 and died in 1882. He was a popular American essayist and lecturer. The principle that governed his life, such as life, lift your aims, always do what you are afraid to do, and despise trifles, and the task he took up were the influences of its aunt. It means कि उनके work में हमें क्या देखने को मिलता है, influence. Influence किस चीज़ का? लोगों को ये बताने का कि आप वो करें जो आप कभी करना चाहते थे, but because of some fear, you won't do it. So do it today. The mountain and the squirrel जो है, इसमें हमें दो character देखने को मिलते हैं. First is mountain and second is the squirrel. Squirrel obviously जो है, as you can see in the picture, क्या कर रही है? Mountain जो है, उसके ऊपर crawl कर रही है, चल रही है, इधर उधर तोड़ रही है. और इसी पर mountain और squirrel जो है, उनमें कोई बात होती है. क्या बात होती है? वो हम पढ़ेंगे इस chapter में. So, the mountain and the squirrel had a quarrel. Mountain और जो गिलहरी है हमारी, उसमें एक झगड़ा हुआ. And the former called the latter little prick. Former यहाँ पर word use हुआ है mountain के लिए, पहले वाला. और latter यहाँ पर word use हुआ है squirrel के लिए, क्योंकि इस जो squirrel है, पहले mountain का जिक्र किया गया है, उसके बाद में squirrel का जिक्र किया गया है. Called little prick. तो माउंटेन जो है वो स्क्विरल को क्या कहता है? लिटिल प्रिक, यानी कि छोटी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अनोइंग है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है. बन रिप्लाइड, यू आर डाउटलेसली वेरी पिक. तो यहाँ पर जो स्क्विरल है वो रिप्लाई करती है कि बिना किसी शक के तुम बहुत बड़े हो. कौन बहुत बड़ा है? माउंटेन. बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर. लेकिन इस दुनिया को चलाने के लिए जो गॉड है, उसने सारी चीज़ें मिलाई हैं, ठीक है. ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो, और वेदर यानी कि जितने भी सीजन्स हैं वो, सब मिलकर क्या करते हैं? मस्ट बी टेकन इन टूगेदर टू मेक अप अ ईयर. एक साल को बनाने के लिए इन सब की ज़रूरत पड़ती है. एंड स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है अर्थ, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ये अर्थ भी चाहिए. एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस. और वो कहती है स्क्विरल कि मुझे इस बात में कोई डिस्ग्रेस नहीं है, यानी कि मैं अपनी एबिलिटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा गर्व करता हूँ कि मैं जिस जगह पर हूँ वो जगह बहुत ही अच्छी है. इफ़ आई एम नॉट एज लार्ज एज यू, हाँ मैं उतना बड़ा नहीं हूँ जितना कि तुम हो. यानी कि स्क्विरल जो है वो माउंटेन से कह रही है कि ऑफकोर्स आई एम नॉट एज बिग एज यू, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई. तो माउंटेन जो है, अगर वो बड़ा है तो वो मेरे जितना छोटा नहीं हो सकता, और मैं छोटी हूँ तो तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हो सकती. इट मीन्स हम दोनों एक दूसरे का प्लेस जो है वो नहीं ले सकते. एंड नॉट हाफ सो स्प्राई, स्प्राई यहाँ पर मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी. इट मीन्स वो कहता है कि मेरे अंदर, स्क्विरल कहता है कि मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ, इधर उधर कूदता फांदता रहता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो एक ही जगह बैठा रहता है. आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी पिटी स्क्विरल ट्रैक. और इसके बाद में वो कहता है कि मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता कि तुमने जो है वो बहुत ही एक अच्छा स्क्विरल का ट्रैक बना रखा है. ट्रैक क्या होता है? जहाँ पर चल सके. तो माउंटेन के ऊपर स्क्विरल जो है वो इधर उधर कूदती फांदती रहती है, इसलिए वो उसको कहती है कि तुमने एक बहुत अच्छा स्क्विरल ट्रैक बना रखा है. टैलेंट्स डिफर, लोगों में एबिलिटीज़ जो हैं वो अलग अलग होती है. डिफर मतलब वेरिएशन जहाँ पे देखने को मिलता है, तो एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं. ऑल इज़ वेल एंड वाइजली पुट, गॉड जो है उसने बहुत अच्छे से सबको बनाया है और अपनी अपनी जगह पर रखा है. इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, और फिर वो एंड में कहती है कि अगर मैं अपनी बैक पर फॉरेस्ट कैरी नहीं कर सकती, नीदर कैन यू कैक अ नट. तो माउंटेन को कहती है कि तुम भी अपने
आप एक क्रैक जो नट जो है उसको क्रैक नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वे में जो स्क्विरल है वो माउंटेन को कहती है कि तुम अपनी जगह हो और मैं अपनी जगह हूँ, हम दोनों के टैलेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, प्लस अगर हम जो हैं एक दूसरे के साथ चलेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि गॉड ने तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ दी हैं, अपनी क्वालिटीज़ दी हैं और मुझे अपनी। सो लेट अस जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द फॉर्मर कॉल द लैटर लिटिल प्रग, हु आर द फॉर्मर एंड द लैटर इन दीज लाइन्स। कौन है फॉर्मर, तो आया है माउंटेन के लिए और लैटर वर्ड यूज़ किया गया है स्क्विरल के लिए। The second one is, why did the former call the latter little prick? Mountain जो है वो squirrel को little prick क्यों कहता है? The mountain called the squirrel little prick because she was very much annoyed him by her moves. क्योंकि जो squirrel है वो अपने moves के through mountain को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। How many times does the mountain speak in the poem? इस poem में इस माउंटेन कितनी बार बोलता है? सिर्फ एक बार। सो द माउंटेन स्पीक्स टू द स्क्विरल वंस। व्हाट टू थिंक डज द स्क्विरल अक्नोलेज दैट द माउंटेन कैन डू। वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो कि स्क्विरल कहती है कि माउंटेन कर सकता है, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात की है। द स्क्विरल अक्नोलेजेज दैट द माउंटेन कैन मेक अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक एंड ऑल्सो कैरी फॉरेस्टर्स ऑन इट्स बैक। एक तो वो स्क्विरल के लिए बहुत अच्छा रास्ता बना सकता है और दूसरा काम जो है वो कि वो अपने बैक पे फॉरेस्ट को कैरी कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डज द स्क्विरल जस्टिफाई इट्स प्लेस इन क्रिएशन। अपना जो जगह है इस दुनिया में जो गॉड ने क्रिएट की है, उसमें स्क्विरल जो है वो अपने आप को जस्टिफाई कैसे करती है, अपने प्लेस को जस्टिफाई कैसे करती है। द स्क्विरल सेज दैट ऑल दो स्मॉल इट इज़ मोर एनर्जेटिक एंड लाइवली देन द माउंटेन। वो माउंटेन को कहती है कि हालांकि मैं तुमसे ज़्यादा स्मॉल हूँ, छोटी हूँ मैं तुमसे साइज में, लेकिन तुमसे कहीं ज़्यादा एनर्जेटिक और लाइवली हूँ। वाई दिस स्टोरी इज़ अ फैबल, इस स्टोरी को एक फैबल क्यों कहते हैं? This story is a fable because it is a short imaginary tale of a mountain and a squirrel. ये एक छोटी सी कहानी है किसकी? Mountain और squirrel की, teaching a lesson about the importance of each creature, matter how big or small. और ये हमें एक lesson teach करती है किस बारे में, कि हर एक creature important है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है. So you have to do the question answer and the glossary work also in your notebook. Thank you.